आईटी लर्निंग इंस्टीट्यूट्स को सब्सक्राइब करें और बेल के निशान पर क्लिक करके नए आने वाली लेटेस्ट वीडियो को हासिल करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आईटी लर्निंग इंस्टीट्यूट से मैं फैज़ अली ज़फ़र। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम ये जानेंगे कि हम अपनी पिक्चर को DSLR की तरह पिक्चर किस तरह बना सकते हैं। जो हम अपने मोबाइल से पिक्चर बनाते हैं उसको DSLR इफेक्ट के साथ किस तरह हम इसको बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। यानी कि बात यह है कि हम अपने मोबाइल को, हमारे मोबाइल कैमरा को इस तरह का कैमरा यानी कि DSLR का जो ऐसे कैमरा होता है वैसे किस तरह बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारा आईटी लर्निंग यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि नए आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती रहें। यहाँ पर कुछ बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं और नए लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है आफ्टर फोकस। तो आफ्टर फोकस आप एप्लीकेशन यहाँ पे आप जैसे ही लिखेंगे आफ्टर फोकस और यहाँ पे आपके पास एप्लीकेशन आ जाएगी। इसकी 10 मिलियन डाउनलोड्स और 4.2 रेटिंग है जो 1,28,000 लोगों ने दी है और ये फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल हो रही है। और इसमें जो इसकी अपडेट आई है उसमें ये 2.1.0 वर्जन में भी यूज करने वाला हूँ। फिक्स क्रैश और बहुत सारे वहाँ पे इफेक्ट का बता रहा है। इसके अलावा यहाँ पिक्चर्स दिखा रहा है कि आपने कैसी पिक्चर आप वहाँ पे ब्लर कर सकते हैं। देखिए ये जैसी ये पिक्चर यहाँ पे हमें नज़र आ रही है तो इस तरह की हम ब्लर कर सकते हैं और ये वाकई में हो सकती है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हम भी रेट कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं। उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। सबसे पहले आप आफ्टर इफेक्ट एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। उसके बाद आपने पास तीन ऑप्शन है। आप कैमरा में चले जाएं अगर आपने न्यू फ़ोटो बनाना है, अगर आप यानी कि लाइव आप बनाना चाहते हैं, एल्बम में चले जाएं अगर आपके पास वो कोई पिक्चर सेव है, और प्रोजेक्ट में चले जाएं अगर आपका कोई ब्रांडिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। तो हम एल्बम में जाएंगे, हमारे पास एक पिक्चर है, हम उसको ब्लर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लोडिंग होगी, हम एक पिक्चर को ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। और ये बता रहा है कि आप दो तरह के, आप इस तरह के मैनुअल कर सकते हैं और स्मार्ट जो वर्क है वो आप इस तरह कर सकते हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी। वो कह रहा है कि आप उंगली को प्रेस करेंगे तो, और ये जूम एंड जूम आउट के लिए है और डबल फिंगर से आप इसको पेंच गेजर कर सकते हैं। यू कैन आल्सो मूव द कन्वेक्स बाय टू फिंगर स्लाइड गेजर। ये आपको यहाँ पे दे रहा है टिप्स, मैं यहाँ पे इसे बंद कर देता हूँ। तो फाइनली ये हमारे पास पिक्चर है जो हमारी हम एडिट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पर हमने प्रेस करके ले जाना है जहाँ तक हमें ये पिक्चर चाहिए, जैसी चाहिए। ये यहाँ पर हम ऐसे इसको ले जाते हैं, इसको आपने कंप्लीट एंड तक ले जाना है। और यहाँ से आपने करना है कि ऐसे करना है कि इसकी ये जो लाइनें हैं वो बिल्कुल करीब करीब हो, ताकि जितनी ज़्यादा लाइनें करीब करीब होंगी और अच्छी एडिटिंग होगी उतना ज़्यादा आपके लिए। ये ऊपर है अभी, यहाँ पे यानी कि पेज ख़त्म हो रहा है और ये भी लाइनें मैं ऊपर ले गई हूँ और यहाँ से हमने यहाँ पे डन कर देना है। तो ये देखें यहाँ पे इस तरह की हमारे पास शो हो रही है। मैं यहाँ पे एंड से और थोड़ा सा कर देता हूँ और ये एंड से होगी, थोड़ा सा बिल्कुल ही एंड से मैं लेके जाता हूँ और यहाँ पे ये अब हो चुके। तो इस तरह की हमने यानी कि पिक्चर कोई थोड़ी बहुत माड़ी मोटी डाउनलोड यानी कि हमने एडिट कर ली है। उसके बाद हमने यहाँ नीचे वाले सेकंड ऑप्शन पे आना है और उसको जहाँ से हमने ये हमारे एरिया नहीं चाहिए उसको हमने ऐसे कर देना है। जो अब एरिया आप सेलेक्ट करते जाएंगे उस पर ब्लर का ऑप्शन यानी कि नहीं आएगा, जहाँ से हटना जाएगा उस पर ब्लर का ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन इसलिए यूज़ हो रहा है। तो आप करीब भी पा दें, यहाँ से हम सिंपल ले जाते हैं, इसने आगे हमारे पिक्चर भी साथ बढ़ा जाती किया। तो चलिए ये बता रहा है कि आपने उसके लाइने के अंदर नहीं लगा, ये देखें यहाँ पे थोड़ी सी रह गई है। तो यहाँ से हमने सेट कर लेना है सबसे पहले। ये देखें अभी हमारा तकरीबन बहुत ही अच्छे से ये सेट हो चुका है। तो सेट करने के बाद आपने ये, मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूँ, आपने जितनी अच्छी एडिटिंग करेंगे वो आपके लिए फायदेमंद होगी। उसके बाद मैंने नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह की यानी कि पिक्चर नज़र आएगी। तो हमने ब्लर के अंदर चले जाना है, ब्लर के अंदर जाएंगे तो हमने ब्लर इसका बढ़ा देना है।
जैसे ही ब्लर बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं कि पिक्चर कितनी ज़बरदस्त बन जाएगी। ये देखिए जितना ज़्यादा ब्लर होगा उतना ज़्यादा आपकी पिक्चर वो होगी। ये देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे अभी वो एरिया हमने ख़त्म नहीं किया था तो वो इस तरह का हमें ब्लर नज़र आ रहा है, अदरवाइज बाकी जो एरिया है वो बिल्कुल ठीक हो गया। हम इसीलिए इसे थोड़ा सा ब्लर कम कर देते हैं ताकि वो एरिया उसके साथ मिल जाए। ये देखिए यहाँ से आप इस तरह आप कर सकते हैं, इस तरह ब्लर ख़त्म करना चाहें तो आप और ज़्यादा ख़त्म भी कर सकते हैं उसकी ओरिजिनल जो हालत है वो लाना चाहिए। देखिए अभी ये पिक्चर ओरिजिनल हालत में, क्योंकि ये मैंने अभी दोबारा फेसबुक से डाउनलोड किया तो उसका रिज़ल्ट कम हो चुका है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आप हमारा ये वाला आई टी लाइन टूल्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे और नई लेटेस्ट वीडियो हासिल करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।